नमस्कार, आप देख रहे हैं 7i न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुजिता। कल शुक्रवार को वर्ल्ड कप का 43वां मैच पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेला गया, जिसमें इमाम उल हक के शतक और गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी के 6 विकेट की मदद से पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 94 रन से हरा दिया। लेकिन अफसोस, पाकिस्तान का सेमीफाइनल में जगह बनाने का सपना मिशन इम्पॉसिबल ही रह गया। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारत पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। चौथी टीम के लिए न्यूजीलैंड ने अपना पाला मजबूत कर लिया था। पाकिस्तान इस रेस में था, लेकिन बिल्कुल ना के बराबर। पाकिस्तान को बांग्लादेश को 300 से ज्यादा रनों से हराना था, लेकिन पाकिस्तान क्या किसी भी टीम के लिए ये मुश्किल काम था? और हुआ भी वही, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हरा तो दिया, लेकिन सेमीफाइनल के लिए जो जीत चाहिए थी उससे दूर रह गया। रन रेट के दम पर न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में पहुंच गया। इमाम उल हक के शतक और बाबर आजम के 96 रन की बदौलत पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 315 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश की टीम 44.1 ओवर में 221 रन पर आउट हो गई। इस विश्व कप में अब तक सर्वाधिक 606 रन बना चुके शाकिब उल हसन ने 64 रन बनाए। शाकिब को छोड़कर बांग्लादेश का कोई बल्लेबाज नहीं टिक सका। शाहीन ने 9.1 ओवर में 35 रन देकर 6 विकेट लिए, जो विश्व कप में किसी पाकिस्तानी गेंदबाज का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। सरफराज अहमद की टीम को हालांकि कोई चमत्कार भी अंतिम चार में नहीं पहुंचा सकता था, क्योंकि उसे पूरी बांग्लादेशी टीम को 7 रन पर आउट करना था ताकि न्यूजीलैंड को पछाड़ सके। इमाम और बाबर ने दूसरे विकेट के लिए 150 रन की साझेदारी 146 गेंदों में पूरी की। बाबर शतक से 4 रन से चूक गए और 98 गेंद में 11 चौकों की मदद से 96 रन बनाकर आउट हो गए। इमाम पूरे 100 रन बनाकर 42वें ओवर में अपना विकेट गंवा बैठे। बाबर को मोहम्मद सैफुद्दीन ने बोल्ड किया, जबकि इमाम मुस्तफिजुर रहमान की गेंद पर हिट विकेट हुए। पाकिस्तान का स्कोर 42वें ओवर में 3 विकेट पर 246 रन था। मोहम्मद हाफिज सिर्फ अगले ओवर में मेहंदी हसन मिराज की गेंद पर शाकिब उल हसन को कैच देकर लौटे। पाकिस्तान को ताबड़तोड़ रन बनाने की जरूरत थी, लेकिन पारी का पहला छक्का 47वें ओवर में इमाम वसीम ने जड़ा। इससे पहले सलामी बल्लेबाज फकर जमा का खराब प्रदर्शन जारी रहा और 31 गेंद में 13 रन बनाकर सैफुद्दीन का पहला शिकार बने। बांग्लादेश के लिए मुस्तफिजुर रहमान ने 5 विकेट लिए, लेकिन 10 ओवर में 45 रन दे डाले। लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की शुरुआत अच्छी नहीं रही। 42 रनों के स्कोर पर मोहम्मद आमिर ने फकर जमान के हाथों कैच आउट कराया। बांग्लादेश का दूसरा विकेट तमीम इकबाल के रूप में लगा, उन्हें शाहीन अफरीदी ने बोल्ड आउट किया। मुस्तफिजुर रहमान कुछ खास नहीं कर सके और 16 रन के स्कोर पर रियाज की गेंद पर बोल्ड हो गए। रिटिन दास को 32 और शाकिब को 64 रन के स्कोर पर शाहीन ने आउट किया। इसके बाद कोई बल्लेबाज नहीं चला और विकेट गिरते गए। मुस्तफिजुर रहमान को 1 रन पर आउट कर शाहीन ने बांग्लादेश की पारी का अंत किया।